जो दर्द उन लोगों से है जो हम लोगों के लिए बनाए गए लोग हैं, हम लोगों के वर्ग से आते हैं। अगर उन लोगों के पास जाओ तो उन लोगों को सांप सूंघ जाता है। मंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से 7 दिन का समय लिया था और वो आज 2.5 महीने से ऊपर हो गए। सरकार हमको सिर्फ गुमराह करती है। आज रूल ऑफ लॉ चलेगा इस देश में, रूल ऑफ योगी एंड रूल ऑफ मोदी नहीं चलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के 129 दिन पूरे हो गए हैं। हक की लड़ाई के लिए पिछड़ा और दलित समाज के अभ्यर्थियों का योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने महा आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि आगामी 23 नवंबर को राजधानी लखनऊ की सड़कों पर महा आंदोलन योगी सरकार के खिलाफ किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनियमितता और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुपालन को लेकर उनका धरना प्रदर्शन इको गार्डन में लगातार चल रहा है। योगी सरकार ने कमेटी का गठन तो कर दिया, परंतु कौन सी जांच अफसर कर रहे हैं कि महीने भर से ऊपर हो गया पर कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। हम लोगों ने सरकार के लगाए हुए मानक को क्वालिफाई किया, लेकिन जब ये चयनित लिस्ट आई तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का नाम नहीं है उस लिस्ट में। तो हम लोगों को कुछ आशंकाएँ हुई, आखिर क्यों नहीं नाम है। तो हम लोग जो ये लोग एकदम चिल्लाते हैं खुले मंचों से कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए OBC वर्ग समाज के लिए SC समाज के लिए हम लोगों ने आयोग बनाया है, आपके लिए मुखौटा स्वरूप उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं, तो हम लोगों को एक आशा की उम्मीद जगी कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ बनाया गया है, शायद कहीं ना कहीं से हम लोगों को न्याय मिलेगा। हम लोग अनवरत 1 साल तक वहाँ पर लड़ाई लड़े और हम लोगों के पक्ष में निर्णय आया। यहाँ तक कि सतीश द्विवेदी जो अपने आप को शिक्षा मंत्री कहलाते हैं, तो उन्होंने जब हम लोगों ने धरना दिया था ठंडी में, तो उन लोगों ने कहा था कि आप लोग कहीं से भी एक आर्डर अपने फेवर में लाइए, हम लोग आपके साथ न्याय करेंगे। यहाँ तक कि दिव्यांगों का मैटर हम लोगों के साथ सेम टू सेम कोर्ट में चलता था, क्योंकि उसमें भी आरक्षण घोटाला जो उन लोगों को मिलता है उनका भी घोटाला किया गया था, लेकिन उनका कहीं से भी आरक्षण का मतलब ऐसा साबित नहीं हुआ था, कोर्ट वगैरह कहीं से भी कोई आदेश नहीं आया था, उन लोगों को इन्होंने न्याय दिया। बट हमारा आरक्षण का केस भी साल्व हो गया और उसमें यह भी साबित हो गया कि जो 27% OBC का रिजर्वेशन है उसमें मात्र 3.86% रिजर्वेशन मिलता है और 21% SC को मिलता है मात्र 16.6%। तो जब हम लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, कभी शिक्षा मंत्री के आवास पर, कभी मुख्य उप मुख्यमंत्री के आवास पर, कभी मुख्यमंत्री जी के आवास पर, कभी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर, तो एकदम मूक बधिर बन जाते हैं, लत्ता टाइप के एकदम बन जाते हैं। ऐसा आखिर क्या है? मुझे दर्द उन लोगों के दिए दर्द से नहीं ज़्यादा होता है जो एकदम सवर्ण है, जो हम लोगों को गला घोटने पे बैठे हुए हैं, उतारू हैं, लेकिन मुझे दर्द उन लोगों से है जो हम लोगों के लिए बनाए गए लोग हैं, हम लोगों के वर्ग से आते हैं। अगर उन लोगों के पास जाओ तो उन लोगों को सांप सूंघ जाता है अपने वर्ग के लिए कुछ भी बोलने के लिए। यहाँ तक कि इतने गुलाम बन चुके हैं, खुले मंचों से इस समय मीटिंगें होती हैं सभी जातियों के लिए, वहाँ से बोलेंगे OBC भाइयों को 50% रिजर्वेशन देने वाली सरकार है, जबकि उसी व्यक्ति ने खुद 3.86% रिजर्वेशन OBC को बताया और SC को बताया कि 16.6% आपको रिजर्वेशन दिया गया है। हमारा 129 दिन से यहाँ है, एक टाइम भोजन करते हैं और 129 दिन से हम हैं। सरकार हमको सिर्फ गुमराह करती है। हम ये पिछड़े वर्ग को, OBC और SC दलितों को हक खा रही है। क्या हम BJP कोर्ट नहीं दिए थे? आज हम उनसे पूछ रहे हैं कि आज 129 दिन से हम लोग इको गार्डन है, कभी हम लोग जब जाते हैं CM आवास घेरने तो लाठियां मारते हैं, हमको हाथ पैर तोड़ देते हैं। हमारी बहन मुक्ता को आज भी इलाहाबाद में उसका हाथ टूटा हुआ है, आज भी बेड रेस्ट कर रही है। मगर ये मोदी और योगी कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं। 4 महीना चुनाव है, हम उनकी औकात दिलाएंगे कि हम OBC और SC क्या है। हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है कि 16,000 OBC शिक्षक के 69,000 में किया गया है धांधली, 4,000 SC का। आज 129 दिन से हम लोग यहाँ मर रहे हैं, कोई नहीं पूछने आ रहा है। जब यहाँ कोई आता है तो बोलते हैं कि हम कमेटी गठित करते हैं। कमेटी किस लिए गठित करते हैं मालूम है? कि ताकि यह माहौल ठंडा हो जाए। आज 1 महीने हो गया कमेटी, उनका कोई पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? फिर भी हम उनकी औकात दिखाएंगे। आने वाले 30 नवंबर को 23 नवंबर को 125 संगठन OBC SC समर्थन दिए हम लोग को। आज हम लोग 129 दिन से इस इको गार्डन धरना स्थल पर बैठे हैं और जब से मैं ये
स्टूडेंट रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, जब से मैं इस इंडिया की पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ, इतनी निरंकुश, इतनी तानाशाही सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। ये लोग कहते हैं पिछले 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं तो देश यहाँ तक ना पहुँचा होता, आप पैदा भी ना हुए होते अगर 70 साल में कुछ ना हुआ होता। और हम लोग कोई नाजायज़ मांग भी नहीं कर रहे हैं, आपसे कहते हैं कि आप सूची दिखा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन आप सूची नहीं दिखाते। तो इतनी ऑटोक्रेसी, इतनी तानाशाही आपकी नहीं चलेगी। हम लोग भी पढ़े लिखे इसी समाज के समाज के लोग हैं, हम लोग भी अपना अधिकार जानते हैं, हम लोग भी आर्टिकल जानते हैं, हम लोग भी संविधान जानते हैं, हम लोग भी IPC की धाराएँ जानते हैं। तो अब वो युवा, वो बहुजन नहीं रहा जो बहुजन 30 साल पहले रहा करता था, जिसको आप बरगला लेते थे। आज रूल ऑफ लॉ चलेगा इस देश में, रूल ऑफ योगी एंड रूल ऑफ मोदी नहीं चलेगा। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग यहाँ गांधीवादी तरीके से 129 दिन से धरनारत हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक महाघोटाला हुआ है। OBC का 27% की जगह केवल 3.86% दिया गया है और SC का जो है 16.6%, लगभग दोनों को मिला करके 20,000 सीटों का जो है गबन किया गया है 69,000 के शिक्षक भर्ती में। और हमारे पास आज 7 महीने से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट चीख चीख करके कह रही है, और यह सरकार इसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दंभ मारती है कि हमने जो है पिछड़ों के और दलितों के हित के लिए ये आयोग बनाया हुआ है जहाँ पे सब लोगों को न्याय मिलेगा, और उसी आयोग के रिपोर्ट को यह सरकार न मान करके हम लोगों के साथ यह अत्याचार कर रही है। लगभग 4.5 महीने हो गए हम लोग यहाँ इस इको गार्डन के इस पत्थर में बैठ करके शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं, और सरकार हम लोगों को केवल आश्वासन दे रही है कि आपका कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से 7 दिन का समय लिया था और वो आज 2.5 महीने से ऊपर हो गए, और उसके बाद पिछले महीने 6 सितंबर को जो हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, यहाँ 20,000 से अधिक लोग आए थे, और उस समय सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी, 4 सदस्यीय कमेटी, जिसमें कहा गया कि आपका जो है मामले का निस्तारण 10 से 15 दिन में कर दिया जाएगा। वह अभी 1.5 महीने के ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी किसी कमेटी का कोई अता पता नहीं है, और सरकार सिर्फ ये चाहती है कि किसी भी तरीके से इस मामले को ठंडा किया जाए लेट लतीफ़ करके, लेकिन हम लोग जब तक अपने अधिकार को ले नहीं लेंगे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD खबर।